ठीक है जरूरी चुता बना leave नमस्कार रामायण प्रणाम मंत्र रामाय रामचंद्राय राम, राम भद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीता पते नम श्री राम कथा हम लोग प्रसंग आलोचना कर रहे हैं राजा दशरथ का निधन हो गया है और अयोध्या नगरी में बात फैल गई है और नगरी की शोभा समाप्त हो गई है अयोध्या नगरी श्री भीहीन अयोध्या कांड में हम लोग छियासठ नंबर अध्याय तक किए हैं सड़सठ शुरू करने वाले हम लोग और आज का प्रसंग है राजा अगर नहीं रहे क्या क्या समस्याएं आ जाती हैं किसी भी राज्य में जैसे मान लीजिए घर है घर में जो गृहस्वामी है पिता या जो भी है जो घर को चलाते हैं वे अगर दुर्बल हो तो घर में क्या समस्या होती है जिले का शासक अगर दुर्बल हो तो क्या समस्या होती है देश का शासक अगर दुर्बल हो तो क्या समस्या होती है तो यहां बात हुई आक्रंदिता निरानंदा शास्त्र कंटा जनाविला लोग रो रहे हैं रात भर रो रहे हैं अयोध्या में सभी रो रहे रात दिन में बात फैल गई है रात में सभी रो रहे हैं अब जल्दी कुछ करना पड़ेगा तो कहते हैं कि राज्य का प्रबंध करने वाले जो ब्राह्मण आदि थे वे एकत्रित हुए यह भारत में एक प्रथा थी कि राजा के हाथ में सब कुछ नहीं छोड़ा जाता था मंत्री साधारणतः ब्राह्मण रखा जाता था जिनके हाथ में डंडा रहता है उन्हें सारी क्षमता नहीं दी जाती है जैसे आप देखेंगे भारत के संविधान में भी भारतीय जो लोकसभा है संविधान बिल्कुल संविधान तीन कार्यपालिका न्यायपालिका और ये जो लोकसभा है इसको अलग कर दिया है पूरा पुलिस पकड़ती है और पुलिस के हाथ में अगर क्षमता दे दी जाए कि आप न्याय करेंगे तो समस्या हो जाएगी इसलिए भारत में भी नियम है कि किसी अपराधी को अगर पकड़ा जाता है 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में हाजिर करना पड़ता है न्यायालय में जो बैठे हैं वो निष्पक्ष भाव से पूरी चीज को देखते हैं और देखने के बाद फिर विचार देते हैं कि इन्हें क्या किया जाए यह बहुत पुरानी प्रथा है जब विदेश में ऐसी प्रथा नहीं थी और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि वे लोग निरंकुश राजी करते थे राजा पर हमेशा अंकुश रहना चाहिए लोकसभा में भी जब कोई बिल पारित होता है राज्यसभा में जाता है और इसके बाद भी फिर ऊपर में राष्ट्रपति हैं जो एक बार विचार करते हैं कि यह सही है कि नहीं अगर उन्हें लगता है सही नहीं है तो उसे लौटा दिया जाता है ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं तो भारत में कभी भी किसी को निरंकुश तानाशाही आजकल देखेंगे प्राय बोलते हैं कि तानाशाही चल रही है नहीं भारत में तानाशाही चल ही नहीं सकती है यहां के स्वभाव में भी नहीं है संविधान में भी नहीं है लोग चाहे जो करें हल्ला करने वाले हैं और भी कुछ है लिबरल आदि वो तो दिन भर हल्ला ही करते रहते हैं लेकिन भारत के स्वभाव में यह है ही नहीं निरंकुश असीम क्षमता कभी राजा को नहीं दिया गया किसी राजा को नहीं दिया गया कोई भी राजा बिना ब्राह्मण से सलाह लिए अमात्य कहा जाता था मंत्री उनकी सलाह के बिना काम नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पता है कि राजा के हाथ में सारी क्षमता है वे कुछ भी कर सकते हैं उन्हें एक सीमा में एक मर्यादा सीमा में रखने के लिए उन पर अंकुश लगाए रखने के लिए पढ़े लिखे विद्वान लोगों को रखा जाता था जो त्याग में प्रतिष्ठित रहते थे तो कहते हैं कि ये दरबार में आया और इसमें बहुत सारे ऋषियों का नाम है मार्कंडे मौदगल्य वामदेव कश्यप कात्यायन गौतम जाबली इन सब का नाम हम लोग उपनिषद आदि में भी पाते हैं वेद में भी पाते हैं कहना बहुत मुश्किल है कि ये लोग सचमे अयोध्या में उस समय थे या वाल्मीकि ऋषियों का नाम यहां पर रख दिया है क्योंकि ये सारे नाम बहुत ही प्रसिद्ध नाम है भारतीय परंपरा में और इतने सारे ऋषियों का एक साथ रहना थोड़ा स्वाभाविक लगता है यह हो सकता है कि यह सब उस गोत्र के हो लेकिन यहां जिस तरह से है ये सभी नाम ही नजर आते हैं गोत्र नहीं खैर हम लोगों को क्या लेना जी है वाल्मीकि जी ने जैसा कहा हम लोग वैसा ही देखेंगे तो कहते हैं कि राजा दशरथ का निधन हो गया श्री रामचंद्र जी वनवास चले गए हैं लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए हैं अब समस्या यह है कि भरत और शत्रुघ्न बाकी दो जो हैं वे ननिहाल में हैं मामा के पास गए हुए थे इसे कहते कि इक्श्वाकु वंश यानी राजा दशरथ के वंश के किसी को तुरंत राजा बनाया जाए अगर राजा नहीं बनाया गया तो राज्य का नाश हो जाएगा यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और कम ही नो राष्ट्रम विनाशम सम अवापनुयात अराजकम ही नो राष्ट्र हम लोग का राष्ट्र नो न अर्थ होता है हम लोग हम लोग का राष्ट्र न विसर्ग अराजकता फैल जाएगी यहां पर हम लोग एक छोटी सी बात इसकी विवेचना करते हैं हमारे एक यूट्यूब दर्शक ने कहा कि आप बार बार आलोचना आलोचना कहते हैं यह सही शब्द नहीं है विवेचना होनी चाहिए तो मैंने कहा कि बंगाल में रहते रहते बंगाल बंगला में आलोचना आलोचना कहते हैं इससे हो गया विवेचना सही शब्द है बिल्कुल सही शब्द है हम लोग जब इस कलम की ओर देखते हैं हम लोग स्पष्ट देखते हैं कि यह इसका कैप है ढक्कन और इसके अंदर रिफिल है और रिफिल इस कलम में है यानी इसके तीन टुकड़े हैं जिसमें ये जो ढक्कन है इसका महत्व नहीं है और जो रिफिल है जहां से स्याही निकलती है सबसे महत्वपूर्ण है ये जो तीन है तीनों को अगर अलग कर दिया जाए तो तीन टुकड़े हो जाते हैं तीन खंड हो जाते हैं इसके और उनको जब मिला दिया जाए तो यह कलम फिर से बन गई यानी यह तीन टुकड़े ये तीन खंड जब मिलते हैं यह कलम बन जाती है तीन टुकड़े अगर इसे हमें कौ ख गौ कहें कौ जोड़ जोड़, गौ बराबर कलम <coughs> तो हम लोग जो मनुष्य हैं हम लोग भी क्या ऐसे ही हैं हमारा सर है हमारे हाथ हैं, शरीर है पांव है जो टुकड़े टुकड़े हैं इन सब का समूह ही क्या हम है अंग्रेजी दार्शनिक लोग इसको लेकर काफी बहस किए हुए हैं इन्हें कहा जाता है रिडक्शनिज्म और रिडक्शनिज्म का अर्थ होता है कि टुकड़ों को अगर मिला दिया जाए तो चीज अपने में संपूर्ण है होली का अर्थ होता है कि जब टुकड़े मिला दिए जाते हैं और चीज जब संपूर्ण बन जाती है वह टुकड़ों के योग से कहीं अधिक है वह वस्तु यानी मेरे शरीर के अंग इनको अगर मिला दिया जाती है मैं नहीं हूं मैं इससे अधिक हूं इसको लेकर के वैज्ञानिक में दा, दार्शनिक लोगों में काफी मतभेद है कोई ये मानते हैं कोई वो मानते हैं साधारण भाषा में हुआ अगर आपको सरदर्द है तो हम लोग जानते हैं सरदर्द है क्रोसिन की गोली खा लो पैरासिटामोल खा लो सर दर्द ठीक हो जाएगा ये लेकिन रिडक्शनिज्म है सर एक टुकड़ा है उसमें समस्या हुई दवा दीजिए समस्या ठीक हो जाएगी लेकिन जब हम लोग एक समावेश पूरे चीज को जब लेकर के हम लोग एक साथ चलते हैं तब इस तरह से चिकित्सा नहीं हो सकती है इसलिए एलोपैथिक चिकित्सा इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी है क्योंकि एलोपैथिक चिकित्सा पूरा चलता है रिडक्शनिज्म पे हाथ में समस्या है हाथ को ठीक करो सर में समस्या है यानी सरदर्द है बुखार है नहीं ऐसे नहीं हो सकता है संपूर्ण को लेना पड़ता है भारतीय चिंताधारा हर विषय में इस संपूर्णता को लेकर चलते हैं होलिज्म को लेकर चलते हैं इस संपूर्णता में उद्देश्य स्पष्ट है कि यह जीवन एक साधारण कड़ी है एक लंबी श्रृंखला में जन्म के पहले भी मैं था मृत्यु के बाद भी मैं रहूंगा और यहां पर मूलतः दो अलग मत हो जाते हैं एक मत के अनुसार हम लोग जन्म मृत्यु चक्र में है और बीच में हम लोग स्वर्ग आदि जाते हैं लेकिन वेदांत के अनुसार मुक्ति ही हमारा उद्देश्य है हर हालत में हमें इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना है अगर यह सच है यह स्वाभाविक है तो हमारे जितने भी विधि विधान हैं जितने नियम कानून है और जितने भी तरह की व्यवस्था है इनका उद्देश्य कभी भी खंडित नहीं रहेगा हमेशा संपूर्ण रहेगा कोई भी काम जब होगा हमारा संविधान जब बनेगा हमारी दंड विधि जब बनेगी कोई भी नीति जब बनेगी चीन से हमें किस तरह व्यवहार करना है पाकिस्तान से हमें कैसे व्यवहार करना है मित्र देशों से कैसे व्यवहार करना है दुष्ट दमन कैसे करना है शिष्ट रक्षण कैसे करना है इन सब में एक संपूर्णता का भाव लाना पड़ेगा इसमें खंडित भाव हम लोग नहीं रख सकते हैं हम लोग यह नहीं कह सकते हैं चीन के साथ हम ऐसा व्यवहार करेंगे पाकिस्तान के साथ हमेशा व्यवहार करेंगे इसराइल के साथ ऐसा करेंगे नहीं हम लोग कहते हैं इसके पीछे हमारी एक नीति रहती है सही है लेकिन वह नीति किस चीज पर आधारित है हम लोग जब नीति के बारे में बात करेंगे तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस नीति के पीछे जीवन दर्शन क्या है आजकल देखेंगे आ, काफी लोग बहुत हंगामा कर रहे हैं देश में बहुत ही अधिक छोटी छोटी बात पे बहुत हंगामा करते हैं जैसे बहुत प्रसिद्ध है अभी वो शहीन बाग में हंगामा हुआ था इतना हंगामा हुआ अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं उस समय लोग बोल रहे थे कि देश में तानाशाही है देश में ये है देश में वो है और ऐसा कभी इत्यादि इत्यादि अब पता चल रहा है कि वो सब जो हो रहा था क्या सच है झूठ हम लोग को नहीं पता है सरकारी संस्थाएं कह रही है इसके लिए विदेश से पैसा आया था समस्या करो कोर्ट कह कर रहा है कि गलत है और इसमें सब लोग जूझ गए थे क्या हो रहा है क्यों हो रहा है लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि जो लोग सरकार की निंदा कर रहे हैं भारतवर्ष की निंदा कर रहे हैं भारतीय सोच की निंदा कर रहे हैं उनमें जीवन दर्शन है क्या कोई भी व्यक्ति जब एक झंडा लेकर के खड़ा हो जाता है नहीं चलेगा नहीं चलेगा सबसे पहले हमें यह पूछना है भैया आपका जीवन दर्शन क्या है वह जीवन दर्शन क्या फिट बैठता है हमारी सोच के साथ हिंदू समाज व्यवस्था ने इस चीज को स्पष्ट कर दिया हम जो भी करेंगे उसके पीछे जीवन दर्शन स्पष्ट होगा क्या उद्देश्य मुक्ति है और मुक्ति मुक्ति का अर्थ है समावेशित होना सबको साथ लेके चलना वसुधै कुटुंबकम ये सभी मेरे अपने हैं यहां पर कोई गैर नहीं है कोई पराया नहीं है क्योंकि अद्वैत वेदांत के अनुसार मैं ही ये सब बना हूं जहां जो कुछ है मेरे पिता भी मैं ही हूं मेरी माता भी मैं ही हूं मेरा भाई भी मैं ही हूं मेरे शत्रु भी मैं ही हूं सांप बिच्छू बाघ सिंह वह भी मैं ही हूं यह है वास्तविक समावेशिता जो बिल्कुल उच्चतम स्तर पर आती है साधारण लोगों के लिए कल्पना के बाहर है हम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग केवल शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन यही सत्य है। और हम लोग जीवन में जो कुछ भी करते हैं उद्देश्य है, उस मुक्ति की ओर बढ़ते रहना इसमें राजा बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं राजा की भूमिका बहुत 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 महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में क्योंकि राजा कभी राजदंड देकर और कभी पारितोषिक देकर यह सुनिश्चित करते हैं कि दुष्ट का हमेशा दमन रहे और शिष्ट का हमेशा रक्षण रहे आप विद्यालय में भी देखेंगे जो अच्छे विद्यार्थी हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाता है जो शरारती लड़का है उद्यमी लड़का है उसे थोड़ी सजा दी जाती है उद्देश्य है कि विकास में जो बाधक है उसे रोका जाए विकास में जो सहायक है उसे बाहबाही दी जाए उसकी पीठ थपथपाई जाए लेकिन जब समाज व्यवस्था की बात आती है जहां पर समाज है यह काम राजा को करना पड़ता है और राजा अगर न्यायप्रिय नहीं है राजा अगर शक्तिशाली नहीं है तो पूरी सामाजिक व्यवस्था डगमगा जाएगी और अंत में ढह जाएगी बहुत सारी सभ्यताएं इसी तरह से नष्ट हुई क्योंकि उसके राजा ठीक नहीं थे राजा अगर ठीक नहीं रहा तो सामाजिक व्यवस्था टूट जाएगी आप लोग कहेंगे हमारे यहां राजा कहां है हम लोग प्रजातंत्र है प्रजातंत्र में भी राजा तो चुनना ही पड़ता है केवल अंतर यह है वंश परंपरा से नहीं समाज से राजा आते हैं लेकिन जो राजा बना और राजा के आसपास जो शक्ति है आईएएस ऑफिसर है आईपीएस ऑफिसर है मंत्रीगण है इन सब का काम है कि हमारी जो नीति है इन्हें बिल्कुल सही तरीके से लागू किया जाए महाभारत अगर आप पढ़ेंगे मूल महाभारत कहानी में नहीं देखेंगे कैसे राजा को बार बार आगाह किया जाता है राजधर्म आप अगर राजधर्म में प्रतिष्ठित रहेंगे तब राज्य में सबको सुचारू रूप से चलेगा और रामायण में भी यह बात बहुत बार आती है आगे चल करके हम लोग देखेंगे श्री रामचंद्र जी भी भरत को कहेंगे यहां पर कह रहे हैं कि राजा अगर सही नहीं है राजा अगर नहीं है तब क्या समस्या होती है तो कहते हैं कि न राज के जनपद विद्युन्माली महास्वना शुरू में ही ना बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि राजा अगर सही नहीं है तो भारी गरज के साथ वहां बारिश नहीं होती है यानी इसे आध्यात्मिक मूल्य दे देते हैं शुरू में बाद में और साधारण स्तर पर उतरेंगे यह सब कहने का अर्थ है कि राजा अगर सही नहीं है जो लोग शुरू से रामायण सुन रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि कैसे अंग देश में राजा से कुछ पाप हो गया था बारिश नहीं हो रही है तब तो उन्हें बोला गया कि किसी सदाचारी ब्राह्मण को जो सही सही पक्का ऋषि है उसे लाया जाए तो बारिश हो जाएगी यानी उसके पुण्य के प्रभाव से तो ऋषि को लाया गया हम लोगों ने आलोचना की है पहले और कहते हैं न राज के जनपदे बीज मुष्टि प्रक्रिय थे राज अगर सही नहीं है तो मुठ्ठी मुठी बीज नहीं बोए जाते हैं और फसल ठीक से नहीं होती है यानी राज्य विनाश की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है अराज के धनम नास्ती नास्ती भारती के कहते जो राजहीन देश है जहां राजा नहीं है या राजा जहां दुर्बल है लेकिन यहां पर मूल है जहां राजा नहीं है अगर राजा नहीं है तब क्या होता है कि धन अपना नहीं होता है छीन करके लोग चले जाएंगे नहीं। बदमाश लोग गुंडे लोग डाकू लोग लेकर के चले जाएंगे क्योंकि राजा नहीं है और सबसे बड़ी बात इसमें कहते हैं कि पत्नी भी अपनी नहीं रह पाती है स्वेच्छा चारी नहीं हो जाएगी किसी के साथ निकल जाएगी या कोई उसे उठा करके लेके चला जाएगा लेकिन यहां जिस अर्थ में यहां पर है कि पत्नी अपनी स्त्री वह भी वश में नहीं रहती है तो कहते हैं कि अगर पति पत्नी का जो संबंध है या सत्य पर आधारित अगर नहीं रह सके तो बाकी दूसरे सत्य भला क्या रहेंगे यानी अराजकता फैल जाती है कहते राजा अगर नहीं रहे तो सामाजिक विकास के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है पंचायत भवन का निर्माण उद्यान का निर्माण रास्ते का निर्माण कुछ नहीं होता आजकल देखेंगे आजकल समाचार पत्र में प्राय आता है कि भारतीय सरकार यहां पर पुल बना रही है यहां पर सड़क बना रही है क्यों सरकार जब सही रहती है तब यह सब काम ठीक से चलते हैं और राजा अगर दुर्बल है चरित्रवान गाय की तरह गाय इतनी अच्छी है कि वो गाय उस गाय ने कभी बछड़ा नहीं दिया उस गाय ने कभी दूध नहीं दिया उस वो गाय कभी सांड के पास नहीं गई केवल क्या है अच्छी गाय है हम लोग कहते हैं कि वो अच्छे आदमी को बिल्कुल गौ है गौ मुझे समझ में नहीं आता गौ है अगर किसी के नाम में कहते हैं गौ है या प्रशंसा है या निंदा है आदमी के चरित्र में एक तेज रहेगा हर बात खामोशी से ले ले रहे हैं आप राजा हैं सब खामोशी से ले रहे हैं अरे आपका काम है शिष्ट रक्षण दुष्ट दमन बदमाशी कर रहा है उस पर धंधा चलाना है हरिशंकर परसाई बहुत प्रसिद्ध लेखक हिंदी के उन्होंने एक बहुत सुंदर एक लिखा था बेचारा भला आदमी भला आदमी के नाम भला आदमी के पहले उन्होंने जो विशेषण लगाया बेचारा आदमी लोग बेचारे होते हैं और भले आदमी इस तरह के बेचारे भले आदमी अगर प्रधानमंत्री बन जाए क्या देश की दुर्वस्था होगी अपना नजदीकी इतिहास खोल के देखिए पता चल जाएगा और बेचारे भले आदमी रहेंगे उनको नोबल प्राइज दे दीजिए हाँ यह प्राइज दे दीजिए उसके लिए सही है लेकिन देश उससे नहीं चलता है देश चलाने के लिए आपको चाहिए जो शिष्ट की रक्षा कर सके भले की रक्षा कर सके और दुष्ट का दमन कर सके जम के पिटाई कर सके अभी देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने एक न्याय दिया है बाग को लेके। कहते हैं पुलिस को कि तो आपका काम है इसके लिए कोर्ट आपको क्यों आना पड़ रहा है रास्ता अगर कोई रोकता है पिटाई करके निकाल दीजिए हमारे पास क्यों आए आप दुष्ट दमन पिटाई करो राजा अगर नहीं रहेगा अराजकता फैल जाती है अराजकता शब्द जो है अराजक शब्द है राज से और कहते हैं यज्ञ करने वाले ब्राह्मण यानी धार्मिक लोग ये धर्म पालन नहीं कर पाते हैं और कठिन कठिन जो व्रत करनी चाहिए यज्ञ करने ही नहीं देंगे तो यहां बंगाल में दुर्गा पूजा इतना प्रसिद्ध है करने जाइए शहर के चार मस्तान मोहल्ले के चार मस्तान आकर के बोलेंगे अरे पहले चंदा हम लोगों को दीजिए फिर कुछ होगा पूजा कार्य में भी आकर कहेंगे गुंडागर्दी का टैक्स चाहिए और साथ में कहते हैं राष्ट्र को उन्नतिशील बनाने वाले किसी भी राज्य की जो संस्कृति है उसकी जो रक्षा करते हैं उसकी जो समृद्धि करते हैं इस तरह के जो नट नर्तक आदि होते हैं वे अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं यानी जो संस्कृति है पीछे हट जाती है लोग घबराए रहते हैं जो जो कुछ करना चाह रहा है उसकी सुरक्षा चाहिए सुरक्षा ही समाप्त हो जाती है कहते हैं कि जो विद्वान गण है वो जो आपस में चर्चा करेंगे चर्चा नहीं कर पाते हैं और आभूषणों से विभूषित कुमारियां उद्यानों में क्रीड़ा करने के लिए नहीं उतरती हैं बहुत सुंदर यह है नाराज नाराज के जनपदे तू उद्यनानी समागत सीर्ट तुम यादी कुमारियो हेम भूषित कुमारी हेम भूषिता हेम सोने से विभूषित कुमारी लड़कियां उद्यानों में पार्क आदि में नहीं जाती है डर रहता है छेड़खानी करेंगे गहना चीन लेंगे लेकिन राजा अगर बोलेंगे जिले का एसपी बहुत कड़ा आदमी है या थानेदार कड़ा आदमी है तो वहां गुंडे लोग डर करके रहते हैं जब हम लोग ये सब देखते हैं यहां पर यह समस्या और यहां पर हुआ छेड़खानी हुई है यहां पर बलात्कार हुआ है यहां पर ये यह हुआ इसका अर्थ है जो दुष्ट हैं उन्हें राजा के डंडे का डर नहीं है राजा के डंडे का डर रहेगा वही लोग इस तरह से नहीं कर सकेंगे हम लोग प्राय सुनते थे कि कलकत्ता में लड़कियां रात में रात बिरात में जब भी निकल जाए कहीं कोई डर नहीं है बहुत सारे शहरों के बारे में कहा जाता है वो रात में तो निकलना मुश्किल है वहां भले आदमी का भी निकलना मुश्किल है लड़कियों को तो आप छोड़ ही दीजिए इसका अर्थ है शासन व्यवस्था राज्य व्यवस्था राज्य व्यवस्था में गड़बड़ी है तो कहते हैं धनी लोग सुरक्षित नहीं रह पाते हैं और कृषि और गोरक्षा से जो जीवन निर्वाह करते हैं वे लोग दरवाजा खोलकर सो नहीं पाते हैं जब सोने जाते हैं अच्छी तरह से दरवाजा बंद करते हैं नहीं तो रात में कौन उठा करके लेकर के सामान लेकर भाग जाए और कहते हैं कामी पुरुष नारी के साथ शीघ्र गामी रथ पर घूमने नहीं निकला करते हैं देखिए बहुत सुंदर है ये उन्नीस नंबर श्लोक है आजकल भी देखेंगे कि जिनके पास थोड़ा पैसा है वे अपनी दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ लड़के हों लड़कियां हों दामी गाड़ी में घूमने के लिए निकलते हैं सेठ सपाटे के लिए पहले के दिनों में भी ऐसा था यह कोई नई बात नहीं है और यहां पर शब्द बोलते हैं शीघ्र वाय भी शीघ्र रथों पर बैठकर जो रथ तेजी से चलते हैं उन पर बैठकर कामी पुरुष वे जिन स्त्रियों को प्यार करते हैं उनको इस तरह के रथ पर बिठा करके मनोरंजन के लिए निकल पड़ते हैं लेकिन अगर राजा नहीं रहा राजा अगर सही नहीं है तो वे ऐसा नहीं कर पाते यहां यह जो वर्णन है वर्णन का अर्थ है यह दिखाना समाज में जो सामाजिक एक, एक, एक व्यवस्था है यह सब बहुत ही स्वाभाविक चीज है जिन चीजों का हम लोग वर्णन कर रहे हैं मनुष्य जब जन्म लेता है तो जीवन में बहुत तरह के अनुभव संचय करता है और उन अनुभवों से जब मन भर जाता है वह व्यक्ति थोड़ा ऊपर चला जाता है जब आप क्लास फाइव में पढ़ रहे हैं पांचवी कक्षा में उनकी सारी चीजें जब आप जान जाते हैं छठी कक्षा में चले जाते हैं हम लोग भी ऐसे ही करते हैं हम लोग अनुभव के माध्यम से धीरे 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 हमारा क्र विकास हो रहा होता है हम धीरे धीरे इवॉल्व करते हैं हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और मुक्ति की ओर बढ़ते हैं तो यहां जो इन सब का वर्णन किया गया है कुमारी लड़कियां उद्यान में घूमने के लिए जा रही है कामी पुरुष रथ में बैठ करके लड़कियों के साथ घूम रहे क्या सही चीज है या गलत चीज है सही भी नहीं है गलत भी नहीं है उद्देश्य भोग करना भी नहीं है उद्देश्य त्याग करना भी नहीं है उद्देश्य है आत्मविकास जिन लोगों आवश्यकता है थोड़ी भोग की वो भोग करेंगे जिनको आवश्यकता नहीं है भोग की वो त्याग भी नहीं करेंगे उसकी ओर दृष्टि ही नहीं डालेंगे जो लोग शराब बिल्कुल ही नहीं पीते हैं शराब की दुकान के सामने से अगर जा रहे हैं तो क्या शराब को त्याग कर रहे हैं सवाल ही नहीं उठता है कि त्याग क्यों करेंगे त्याग उसको किया जाता है जिसको अपने पकड़ा हुआ है जिसको अपने पकड़ा ही नहीं उसका त्याग कहां से होगा जीवन में उद्देश्य भोग का भी नहीं है त्याग का भी नहीं है आउट ग्रोइंग आपको इनसे कुछ लेना देना ही नहीं है ना पकड़ना है ना छोड़ना है मन जब उस स्थिति में आ जाता है चीजों को ना पकड़ रहे हैं ना छोड़ रहे हैं तब सही अर्थ में आप आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं <coughs> सॉरी जो व्यक्ति आध्यात्मिक बनना चाहते हैं धार्मिक हम लोग जब हम लोग धर्म कहते हैं उसका अर्थ होता है जब पूजा अर्चना आदि हम लोग करते हैं मंत्र पाठ करते हैं हाँ जब ध्यान करते हैं सदाचार में प्रतिष्ठित रहते हैं धर्म एक भूमिका है मूल अध्यात्म होता है आध्यात्मिक बनने के लिए धर्म सहायक होता है लेकिन आवश्यक नहीं है हर व्यक्ति हर जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक बनना चाहे उसके लिए धर्म के मार्ग से ही जाना पड़ेगा या आवश्यक नहीं होता है लेकिन सहायक होता है मनुष्य को सात्विक बनाता है महत्वपूर्ण चाहे आप धर्म पद से आए हो या बुद्धि मार्ग से आए हो विचार करके भी जाते हैं दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भोग से भी बाहर जाए त्याग से भी बाहर जाए श्री रामकृष्ण देव ने त्याग नहीं किया था श्री रामकृष्णदेव सबके बाहर चले गए शुरू में शुरू में मन में विचार करके अच्छा थोड़ा मुझे भोग करने का मन कर रहा है क्या देखना है क्या है खत्म बस उसके बाद भोग और त्याग की बात नहीं है त्याग में भी एक शक्ति लगती है भोग करने में भी एक शक्ति लगती है किसी भी चीज को अगर आप भोग किसी भी चीज का अगर आप भोग कर रहे हैं किसी भी चीज का जैसे मान लीजिए आप धन इकट्ठा कर रहे हैं उसमें एक मानसिक शक्ति का व्यय होता है उसको त्याग करने में मानसिक शक्ति का व्यय होता है अध्यात्म किसी भी चीज में आपको शक्ति का व्यय करने की अनुमति नहीं देगा न भोग में न त्याग में जब हम लोग बोलते हैं त्याग में प्रतिष्ठित है इसका अर्थ होता है कि उनके लिए त्याग स्वाभाविक हो गया है आपको बहुत सुंदर एक जिन कहानी है हम लोग ध्यान जिसे कहते हैं भगवान बुद्ध के माध्यम से जब यह चीन में गया तो ध्यान बन गया चांद चांद बन गया फिर जेन अभी जो आप देखेंगे जेन बुद्धिज्म काफी प्रसिद्ध है अमेरिका आदि में तो यह ध्यान से ही गया है यह शब्द उन लोग बहुत सुंदर सुंदर कहानियां हैं। उसमें एक बहुत सुंदर कहानी है कि एक व्यक्ति सन्यासी बना योग साधना में उतरा तो एक धनी महिला थी विधवा थी उन्होंने उसके लिए कुटिया बनवा दी खाने की व्यवस्था करवा दी कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप यहां पर हैं आप कीजिए अपना धर्म जीवन आप जिए तो करीब 10-15 साल उस तरह से वह बहुत सुंदर जीवन व्यतीत कर रहा था उसके बाद वह जो धनी महिला थी विधवा थी उन्होंने कहा कि अब इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी कितने दिनों तक मैंने एक योगी को खिलाया है या बैल को खिलाया है भाषा देखिए मैंने योगी को खिलाया बैल को खिलाया तो गांव से शरीर का धंधा करने वाली एक लड़की को उसने भेजा जाओ और यह जो योगी है इसे प्रलोभित करने का प्रयास करो इसके मन को विचलित करने का प्रयास करो हम लोग पुराण आदि में पाते हैं कि कैसे बड़े बड़े ऋषि जब तपस्या करते थे तो उनके आसन को डिगाने के लिए अपसराएं उतर आती थी साधु लोगों को डिगाने के लिए अप्सरा की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो साधारण लड़की भी उन्हें डिगा देगी यही सोच करके उसने भेजा तो जैसे उसे लुभाने गई वो लाठी लेके उसे मारने दौड़ा भाग यहां से तो लड़की जाकर के उसे कहती है यार ये तो बहुत बड़े महात्मा है मैंने लुभाने का प्रयास किया वो लाठी लेके दौड़े मुझे मारने के लिए तो वो जो धनी महिला थी वो इतनी नाराज हो गई सुनकर के कि मैंने सही सोचा था इतने दिनों तक मैंने किसी योगी को नहीं बल्कि एक बैल को खाना खिलाया है और जाकर के उसे कहती है आज से तुम्हारा सब कुछ बंद निकम्मे हो निखट्टू हो तुम क्यों इतने दिनों की साधना के बाद अभी भी तुम में अच्छे और बुरे का अंतर है तुम्हें इतनी शक्ति नहीं है कि तुम इसके अभी तक पार चले गए हो और तुम इस लड़की को समझाओ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और उसका जीवन परिवर्तित हो जाए तुम्हें अभी भी आकर्षण और विकर्षण दिखाई दे रहा है देखिए श्री राम रामकृष्ण देव के जीवन में इस तरह से एक है जब कहते हैं कि अभी भी आप में भले बुरे का विचार है तो ठाकुर कहते हैं कि हम इतना दूर नहीं गए हैं वो ऐसी बात है क्योंकि ठाकुर ये लोग पत प्रदर्शक है समाज के लिए उन्हें भला और बुरा दिखाना पड़ता है बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए लेकिन जो साधक है जो सच्ची साधना में है वह कहते पद्म पत्र में बसा कमल के पत्र के समान हो जाता है पानी आके पानी की बूंद अगर गिरती है कमल के पत्ते पर जब तक टिका तब तक टिका पत्ता हिला पानी गया उसे सुखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है लेकिन हम लोग साधारण व्यक्ति हैं हमें सुखाना पड़ता है कोई भाव अगर हमारे मन में आ जाए उसे जल्दी जल्दी साफ करना पड़ता है आध्यात्मिक जीवन ऐसे नहीं होता है आध्यात्मिक जीवन होता है जब भोग और त्याग दोनों के परे आप चले जाते हैं आउटग्रोइंग जब तक यह नहीं होता है तब तक भोग की आवश्यकता पड़ती है चाहे वह जो भी हो और साधारण भोग हर व्यक्ति को करना पड़ता है नहीं तो उसका जन्म ही नहीं होता संसार में आए भोग करने के लिए तो आया है प्रयास करना पड़ता है कि धीरे धीरे इसे ऊपर चले जाए तो यहां इन चीजों का जो वर्णन है इसका उद्देश्य है यह दिखाना कि यह स्वाभाविक है इसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है और उसके बाद कहते हैं कि धन विद्या में जो लोग लगे हुए हैं वे अपना अभ्यास नहीं करते हैं और इस तरह से करते करते कहते हैं न राज के जनपद नरा शास्त्र विशारदा शास्त्र की व्याख्या करने वाले विद्वान नहीं रहते ऐसे राज्य में हम लोग भी जब बाहर बाहर निकलते हैं ना जो असंस्कृत व्यक्ति हैं हम लोग का उपहास करते हैं पंडित लोगों का उपहास करना और संस्कृत लोगों का स्वभाव है हम लोग यूट्यूब में देखते हैं बीच बीच में ना ये सबसे अधिक बंगाल के ही लोग करते हैं यहां हम लोग यूट्यूब पर कमेंट करेंगे ये सब जो है आज ही मैंने देखा एक कि जगह किसी ने लिखा हुआ था हमारे यूट्यूब में कहीं और लिखा था स्वामी विवेकानंद एक अनएम्प्लॉयड बेकार आदमी थे सन्यासी बन गए रामकृष्ण देव राम रामकृष्ण देव तो लिखेंगे नहीं रामकृष्ण एक पागल आदमी इसी तरह की बात नहीं। जितना है सब यहीं से आएगा कहां से इन लोगों को यह बुद्धि मिलती है भगवान जाने कहीं भी अपनी बुद्धि लगा देंगे उपहास करते रहेंगे जब दूसरे राज्यों में जाएंगे वो दूसरे तरह का उपहास करते हैं और संस्कृत है अशिक्षित राजा अगर नहीं रहा और राजा अगर शक्तिशाली नहीं हुआ न्यायप्रिय नहीं हुआ ये लोग बदमाशी करेंगे क्योंकि राजा का काम होता है इस तरह से सुशासन चलाओ जिससे लोग अपनी प्रकृति के अनुसार बड़े हो सके और जब अपनी प्रकृति के अनुसार बड़े होते हैं तो आवश्यकता होती है कुछ आदर्शों की जो शास्त्रज्ञ हैं जो वैज्ञानिक हैं जो बड़े साहित्यिक हैं कलाकार हैं ये लोग आदर्श के रूप में सामने रहते हैं अगर उनका उपहास हुआ उन्हें अगर स्वीकृति नहीं मिली समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा राजा के रहने से चीजें ठीक रहती हैं तो कहते हैं कि उसी तरह से अगर अराजकता फैल जाए देवताओं की पूजा ठीक से नहीं होती है देवताओं के मंदिर में फूल आदि नहीं चढ़ते हैं ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं मिलती है यह सब कह के कहते हैं ध्वजोर ध्वजो रथस्य प्रज्ञानम धुवो ज्ञानम विभावसी विभावसो तेजाम यो नो ध्वजो राजा सा देवत्व इतोकता रथ जब चलता था पहले के दिनों में तो उसमें ध्वजा लगी रहती थी अभी भी देखेंगे जो बहुत प्रसिद्ध लोग हैं उनकी गाड़ी जब चलती है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो सामने वो सायरन बस्ता चला जाता है अर्थवा की कोई बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जा रहा है पहले के दिनों में ध्वजा जैसे आप लोग महाभारत युद्ध के समय आपने देखा होगा टीवी सीरियल आदि पर कि जो अलग अलग वीर थे उनके रथ पर अलग अलग ध्वजा लगी रहती थी तो कहते हैं ध्वजा से रथ का ज्ञान होता है दूर से अगर देख रहे ध्वजा दिखाई दे रहा है इसका चलता हुआ यानी कोई रथ आ रहा है उसी तरह से धुआं अगर दिखाई पड़ा इसका अर्थ वहां अग्नि है तो कहते हैं कि हमारे अधिकार को प्रकाशित करने वाले राजा थे असल में सही सही राज्य चलाते हम ब्राह्मणगण पहले के दिनों में अभी संविधान चलाता है और इनकी रक्षा करते थे राजा राजा उस ध्वजा के समान थे जो रथ का सूचक है राजा उस धुए के समान थे जो अग्नि का सूचक है राजा सूचक थे भारतीय संस्कृति के राजागढ़ दुर्बल हुआ बहुत बार हुआ है भारत में हाँ कृष्णा बैनर्जी लिख रही हैं कि आर्मी स्टाफ कार में भी झंडा रहता है जी उससे पता चलता है कि कौन जा रहा है पुलिस में भी अगर डायरेक्टर जनरल पुलिस है तो फ्लैग रहता है उससे पता चल जाता है कि कौन है राजागढ़ दुर्बल हुआ बहुत बार हुआ है भारत में तो अंदर से शरारती तत्व और बाहर से जो दुष्ट लोग हैं समस्या करते हैं संस्कृति को नष्ट कर देते हैं संस्कृति की रक्षा करने वाले जो भी हैं कलाकार हैं साधु संन्यासी गण हैं परेशान हो जाते हैं उन्हें पता है कि हमें सम्मान नहीं मिलेगा तो कहते हैं कि ये ये कहते हैं जैसे दृष्टि सदा शरीर के हित में प्रवृत्त रहती है उसी प्रकार राजा राज्य के भीतर सत्य और धर्म का प्रवर्तक होता है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है महाभारत में भी आता है यथा दृष्टि शरीर से नित्य में व प्रवर्त आप पता है यह हम लोगों की जो बुद्धि है मस्तिष्क मस्तिष्क जब कार्य करता है 80 प्रतिशत मस्तिष्क की जो क्षमता है 80 प्रतिशत आंखें ले लेती है अगर आपकी आंखों में समस्या है तो उसका बहुत बुरा असर आपके मस्तिष्क पर पड़ता है आपकी सोच प्रभावित हो जाएगी आपकी नींद बढ़ जाएगी आप परेशान रहना शुरू करेंगे अस्सी प्रतिशत तो क्षमता आंखें ले लेती है और आंखें क्यों लेती है क्योंकि आंखों का काम है शरीर के हित में लगे रहना राजा का काम है समाज के हित में लगे रहना जो आईएस है आईपीएस है मंत्री हैं प्रधानमंत्री हैं राष्ट्रपति हैं मुख्यमंत्री इनका काम है समाज के हित में लगे रहना लूट खटो खसोट मचाना नहीं तथा नरेंद्रो राष्ट्र प्रोह सत्य धर्म यो सत्य ही धर्म है या सत्य और धर्म इसके हित में राजा लगे रहते हैं राजा सत्यम धर्मश्च राजा कुलवताम कुलम राजा माता पिता चेव राजा हित करो राज राजधर्म को परिभाषित करते मनुस्मृति में भी इसको लाया गया है इस भाव को राजा ही सत्य है राजा ही धर्म है राजा ही कुलवानों का कुल है राजा ही माता है पिता है और मनुष्यों का हित करने वाला है राजा अगर ठीक नहीं रहा मुख्यमंत्री अगर ठीक नहीं है प्रधानमंत्री अगर ठीक नहीं है समझिए आप काम से गए और कहते राजा का चरित्र अगर सही हो वह इंद्रादी देवता से भी आगे बढ़ जाते इसलिए महाभारत में बहुत जगह वर्णन आता है कैसे जो राजा बहुत अच्छा कर्म करते हैं उन्हें इंद्रपद दे दिया गया है जैसे नौश उसको इंद्र पद दे दिया गया यह सब कह के कहते हैं वर्णन करते हैं कि कैसे अगर राजा नहीं रहे तो राज्य नष्ट हो जाता है कितने तरह से नष्ट होता है इसका वर्णन यहां पर था कहते हैं हम लोग अब कोई उपाय नहीं है भरत और शत्रुघ्न मामा के हैं हाँ। केकई के देश में पंजाब से भी आगे अयोध्या और पंजाब हम लोग बाद में देखेंगे कि करीब सात दिन लग जाते हैं आने में वहां से चतुरंगिनी सेना के साथ थे रथ के साथ रहने से सेना धीरे धीरे चलती है तभी भरत को सात दिन लग गए थे काफी दूर है अयोध्या तो यहीं पास में है और पंजाब पंजाब का आखिरी प्रांत के के देश तो कहते हैं चार दूतों को ठीक किया गया कि आ, आप शीघ्र गामी घोड़ों पर सवार होकर जाइए और जाकर के बोलते हैं कहिएगा कि मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है आप शीघ्र चलिए किसी भी तरह के शोक के बारे में मत बतलाना रामचंद्र जी चले गए हैं दशरथ का निधन हो गया इन बातों का पता नहीं चलना चाहिए यह नियम है घर में अगर कुछ संकट आ जाए किसी को बुलाना हो तो संवाद नहीं देना चाहिए पहले आ जाए फिर देखा जाएगा तो यहां पर थोड़ा थोड़ा वर्णन करते हैं कि कैसे दूत भागते हैं घोड़ा लेकर के और एक छोटा रास्ता लेते हैं शॉर्टकट और कहते हैं व्यास नदी के पार पहुंच गए व्यास नदी पंजाब में घोड़े को दौड़ाते 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 दूतगण पहुंच जाते हैं केके ये देश भारत उसी रात दुस्वप्न देखते हैं बहुत बुरा सपना देखते हैं हम लोग आलोचना करेंगे कि क्या स्वप्न में देखते हैं और क्या इसका महत्व है आज हम लोग का समय समाप्त हो गया थोड़ी देर से हम लोग शुरू किए मशीन मशीन थोड़ा ठीक करना पड़ रहा था आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं धन्यवाद